हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बन जा रहे हैं हमें। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तंदुरुस्त जो कि हम खुद नहीं है, और इसीलिए तंदुरुस्ती का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, और इसीलिए हम आपकी तंदुरुस्ती की कामना करते हैं। दोस्तों ये है day 3, और अभी हो रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं, और मैं जग गया था 4 बजे, एक्चुअली 2:30 बजे, और सोया था समथिंग 11-12 बजे के समथिंग। तो अभी जो है मैं हूँ मंदिर पे जहाँ मैं कल सोया था, जहाँ पे मेरे होस्ट गौरव भैया ने जो है एक्चुअली वो अपने घर पे ले गए। तो उनका एक घर था वहाँ पे, क्या ना कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था, और आप लोगों को शायद नहीं पता होगा बट मैं फिर भी बता देता हूँ, बहुत फट्टू किस्म का इंसान हूँ तो मैं अकेले कहीं रह नहीं पाता हूँ। मैंने भैया से बोला तो भैया ने कहा एक और बढ़िया है, हाँ मंदिर पे सो जाओ आप, और यहाँ पे जो है बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और वाकई में मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं, मस्त नींद आई है। और फिलहाल जो है मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ प्रभु के, और यहाँ पे मैं मंदिर में यहीं पे सोया था। सुबह उठा हूँ, नहाया धोया और पूजा करने जा रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, इससे पहले लोग आने लगे। और अभी जो है गौरव भैया हमको लेके जाने वाले हैं, गौरव भैया उनके दोस्त लोग सत्यम भैया, नवीन भैया, ये अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं घूमने, तो वहाँ चलेंगे, तो फिर बताते हैं आगे की चीज़ें। द विराट कोहली द अमन दा एंड मीट माय फ्रेंड अनमोल दा गुप्ता दा अनमोल दा कश्यप एंड मीट माय फ्रेंड नीलेश मित्रा, कुछ कहानियाँ जो आपके साथ अभी रही है। तो हम आज आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी ना यार? तो आज हम भदेसरनाथ जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने, अनमोल के साथ और अमन के साथ और विराट कोहली के साथ और नीलेश के साथ, बाप रे बाप, गौरव के साथ, बाबा कैमरे की नज़र से देखने दो अनमोल हमको। यहाँ पे क्या स्टोरी है यहाँ की? हम ये अनमोल बताएगा भैया। यहाँ पे कि मतलब जो भी शिवलिंग है ये अपने आप ही मतलब ऐसे पाए गए थे, तो मतलब अचानक अपने आप ही बाहर भगवान आ गए थे, पाया गया था, मतलब एकाएक पाया गया था। तो मैं तब से मतलब इस तरह शिवलिंग मतलब स्थापित करना, ऐसा कुछ करना, और ये छोटे मोटे नहीं, मतलब एक अच्छी खासी मतलब हाइट निकाल के मतलब भगवान आए थे। मतलब ये चीज़ ऐसा हुआ था, मतलब उस दिन से मतलब चीज़ें ऐसी होने लगी पूरा, मतलब ऐसे मतलब ये मतलब स्वयंभू है, अपने आप निकले, स्वयं के स्वयंभू है हमेशा की तरह। भैया ये अभी अमन भाई हैं ये, और इन्हें भी घूमने का बड़ा शौक है, खूब ज़्यादा यार, दबा के घूमना चाहता है, घूमता वो ही अमन, कसम से फायदा नहीं है अमन घूमकर। चैनल का नाम भी तुम्हारा तय कर चुके हैं अमन, देखिए नहीं यार अमन घूमकर नहीं है, सब वही सब है, पहाड़ों में ही बसेरा है।
अभी जो है हम हैं बस्ती के सबसे मशहूर कचौरी शॉप पे, और एक्चुअली ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं गौरव भैया की वजह से और भैया की वजह से। तो यही होता है, काउ सर्फिंग पे मिले, कल तक हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और आज जो है इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। तो काउ सर्फिंग को जो है ना स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और फिलहाल अभी मैं कचौरी खाने के लिए आया हुआ हूँ, मतलब यहाँ का ऐसा मशहूर कचौरी शॉप है, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ अच्छी खासी भीड़ है। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 7:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं और अभी से जो है भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है। तो अब बस यहाँ से मैं थोड़े नाश्ता वगैरह करके निकलूँगा और समथिंग अब 60-70 किलोमीटर की जर्नी है बस अयोध्या के लिए, फिर मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। अभी जो है हम बस्ती से निकल रहे हैं और एक बार फाइनली मैं एक बार आपको दोबारा सबसे मिलवा देता हूँ। यह हैं गौरव, अमन, नए फ्रेंड शामिल हुए हमारे साथ। हाँ भैया कल रात में जो है नहीं थे, कल रात में थे सत्यम भैया और आज सत्यम भैया सो रहे हैं। रिप्लेसमेंट में अभी भैया आ गए हैं तो अब इनको भी घूमने का बड़ा शौक है, तो बहुत जल्दी ये भी हो सकता है हमको ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक बार सच्ची बता रहा हूँ, दोबारा से मैं प्रॉपरली एक बार बोलना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बस्ती का सौभाग्य था कि तुम यहाँ से जर्नी शुरू की, पहला स्टे तक एक्चुअली ये पहला था और बहुत शानदार था, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा वही बहुत इतना तगड़ा रहा है ना, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे अनएक्सपेक्टेड हुई हैं जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्नी के पहले दिन इतना, मतलब इतना कुछ होगा, मुझे आइडिया नहीं था। और आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिला, अदरवाइज मैं आता और एनएस से निकल जाता, बट अभी यहाँ पर मैं मंदिर घूम के आया, उधर भी हम लोग थोड़ा सा घूमे और यहाँ की मशहूर कचौड़ी खाई हमने, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं। और फिलहाल ठीक है, बिल्कुल भैया फिर मिलेंगे जब भी आएंगे वापस। तो फिलहाल जो है मैं दर्शन कर लेता हूँ एक बार फाइनल और फिर निकलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है हम बस्ती से कम 22-25 किलोमीटर आगे हैं और हमें लगता है यहाँ से जो है 55 किलोमीटर के समथिंग है अयोध्या। तो फिलहाल हम जो है रुके हुए हैं एक जगह पे, एक मंदिर है
और बड़ा अच्छा है यहाँ पे। मुझे लगा यहाँ पे मुझे खाना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि भूख लगी थी बड़ी ज़ोर की। तो मंदिर का परिसर है, यहाँ बहुत सारा नल है, तो मैंने जो स्टार्ट कर दिया अपना खाने बनाने का जो है पूरा प्रोसेस। ये हमारा चूल्हा है, मेरे पास चाकू थाने में भूल गया, तो मैंने चाकू अभी एक लोगों से लिया। बाकी बर्तन हमारे पास पूरा रेडी है, अब बस बनाने की तैयारी चल रही है। आप लोग टाइमलेस पे देखिए कैसे बनता है। स्टार्ट कर दिया बनाना, अब बनने में मुझे लगता है समथिंग 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। मैंने सब कुछ तैयार कर दिया था और मैं यहाँ गंदगी फैलाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। मैंने अभी पॉलीथीन में इसको इकट्ठा कर लिया है, फिर कचरा फेंक के पॉलीथीन वापस रख लूँगा, फिर अगली बार जहाँ खाना बनाऊँगा वहाँ पर इसमें कचरा इकट्ठा करूँगा, फिर फेंकूँगा, फिर रखूँगा। मैक्सिमम टाइम जो है जितने बार हो सकता है उतनी बार इसको रीयूज़ करूँगा। और फिलहाल देखिए खाना कितनी देर में बनता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं है कभी कि मैंने पतीले में खाना बनाया हो, तो ये पहली बार है कि मैं पतीले में कुछ बना रहा हूँ। भूख बड़ी ज़ोर की लगी है, बस जल्दी से बन जाए खा लूँ, फिर आगे निकलते हैं थोड़ा आराम करके। अभी जो है हमारा खाना रेडी हो गया है और हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं समझ लीजिए, खाने जा रहे हैं और साथ में अपना व्लॉग देख रहे हैं कल का। तो खाते खाते व्लॉग देखते हैं, व्लॉग देखते देखते खाना खाते हैं और खा के फिर वापस मिलते हैं। अभी जो है हम खाना खा के जो है बना के खा के निकल लिए हैं। टाइम हो रहा है 2:42 और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंफर्म जो है अयोध्या पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। जहाँ पहुँचूँगा शाम होने से पहले वहाँ मैं फिर रेस्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट डे जो है कंटिन्यू करूँगा। फिर रात में मेरी नींद पूरी हो नहीं पाई थी क्योंकि सुबह फिर मंदिर जाना पड़ गया, रात में हम लोगों ने बहुत देर तक बातें की, तो इस वजह से जो है रात में नींद नहीं पूरी हो पाई थी। तो अभी मैं कहीं पर रुकूँगा, खाना बनाऊँगा, खाऊँगा, शाम में आराम करूँगा, बस यही प्लान है आज का। तो अभी निकलता हूँ। हेलो, अभी जो है यार बहुत तगड़ा कंडीशन हो रखा है इधर, तो अभी मतलब बारिश हो रही है और मैं अभी अयोध्या से जो है लगभग 32 किलोमीटर दूर हूँ। तो और अभी टाइम हो रहा है 4:30 और कंडीशन देखिए आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब शाम हो गई है एकदम से, भयंकर वाली जो है बारिश हो रही है। हम फंस गए हैं एक जगह पर, अब रहने का क्या सीन है ना यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, तो नहीं आ रहा है, अब देखते हैं आगे का क्या होता है। और अभी जो है हम जहाँ रुके हुए थे वहीं भैया से बात हो रही थी, तो भैया से बात होते होते मैंने पूछा कि यहाँ पे, क्योंकि अभी जैसे मौसम आप देख सकते हैं बहुत तगड़ा एकदम मतलब काला काला सा बादल आ गया है, तो मैं मुझे लगा कि मुझे निकलना नहीं चाहिए। तो मैंने भैया से पूछा कि यहाँ आसपास कोई बढ़िया मंदिर हो जो सेफ हो, तो भैया ने कहा एक काम करिए आप यहीं रुक जाइए, मंदिर पर जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग सोते हैं, जगह भी है और पूरा व्यवस्था भी है रहने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी कहीं आकर जाना था और आगे जा के मैं कहीं और रुकता जो सेफ नहीं होता, उससे बेटर है कि मैं यहाँ रुकूँ।
टेंट हाउस है और बिल्डिंग मटेरियल का काम होता है, तो यहाँ पे सोने का भी पूरा जुगाड़ है, पूरा बिस्तर वगैरह मिल जाएगा। तो मैंने कहा इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता है कुछ, यहीं रहते हैं और फिर निकलेंगे सुबह अपना टाइमली। फिलहाल यही है सब, अभी मैंने खाना वाना बना के खा लिया था दोपहर में, अब मिलते हैं बाद में, आगे अगर कुछ होता है इंटरेस्टिंग तो मैं बताऊंगा ज़रूर। अभी जो है मैं एक जगह मार्केट में आया हुआ हूँ, नाम नहीं आता मुझे, एक्चुअली मैं निकल गया था वहाँ से, बारिश होने लगी और फिर बारिश शांत हुई तो मैं निकल गया, मुझे लगा मैं पहुँच जाऊँगा, बट थोड़ी देर बाद अंधेरा सा होने लगा तो मुझे अंधेरे में जो है ड्राइव करना ठीक नहीं लगा, मतलब अंधेरे में साइकिल चलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने जो है एक जगह सेफ जगह देख के वहाँ पर ऐसा स्टे करने का प्लान किया है, और मेरा मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो मैं अभी आ गया हूँ ये समोसे खाने, सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह उठ के खाना बनाऊँगा, एक्चुअली मेरा पेट वैसे भी भरा हुआ था, शाम को ही मैंने जो है तहरी खाया था। मुझे लग रहा है मुझे फूड ब्लॉगिंग भी करनी कहीं चाहिए, खाना का खाना हो जाएगा, मजे का मजा।